हे एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अगर मैं एक बात पूछूं आप सभी से कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं करना चाहते या कॉर्पस इकट्ठा नहीं करना चाहते, पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहते, तो शायद ये मेरा क्वेश्चन ही गलत होगा। उसका रीजन है, हम सभी को पैसे की जरूरत है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाए जिससे हम अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर पाए। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक टाइम आएगा जब दोस्तों आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे जॉब में जनरली ये 62-65 एज होता है, या जो बिजनेसमैन भी होते हैं अप टू 75-80-70, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होके पैसा नहीं अर्न कर सकते। नाउ क्या उस वक्त पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? बल्कि मैं ये कहूंगा उस वक्त हमें जो पैसे की जरूरत है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन भी है, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं इतने, या हमारी और लाइबिलिटीज हो जाती हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। साथ ही साथ अगर मैं यंग एज की बात करूं तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं। आज के टाइम हम सभी जानते हैं कि जो चीजें हैं वो इतनी कॉस्टली हो गई हैं कि उनको मेंटेन करने में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। या आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है, दूसरा टर्म इंश्योरेंस कराना जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं कुछ लोग, तो इन सभी के लिए हमारे प्रीमियम देना पड़ता है कंपनीज को, और ये प्रीमियम काफी इंक्रीज भी हो गए हैं अगर हम बात करें पिछले कुछ महीने से। तो इन सभी के लिए आपको पैसे की जरूरत है, मनी की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों, ये पैसा आएगा कहां से आपके पास? तो इसके दो तरीके हैं जहां से हमारे पास पैसा आता है। एक होता है आपकी एक्टिव इनकम। जैसे अगर बात करें, आप में से काफी लोग हैं जो जॉब करते होंगे, तो आप जब जॉब करते हैं तो आपको जॉब करने की वजह से जो पैसा मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, जो सैलरी आपको मिलती है, ये आपकी एक्टिव इनकम है। अब हो सकता है एक पर्सन है जो 5 बजे तक काम करता है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, एक बंदा है जो रात को 8 बजे तक काम करता है। तो जो 8 बजे तक काम करता है वो ओवर टाइम लेता है अपनी कंपनी से, और जितना ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतनी आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। अब बिजनेसमैन के साथ भी यही एप्लीकेबल होता है। एक शॉपकीपर है जो अपनी शॉप 6 बजे क्लोज कर देता है, या एक शॉपकीपर है जो रात को 10 बजे तक ओपन करता है। तो जो 10 बजे तक ओपन करता है उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास ज्यादा कस्टमर आए और उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। यानी हमें सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि प्रपोर्शन है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जितना ज्यादा टाइम आप दे रहे हो, उतनी ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। ये तो हमारी एक्टिव इनकम है। पर क्या इसकी एक लिमिटेशन नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है आप 24 घंटे शॉप खोल लें, या ऐसा नहीं है कि आप जॉब पर 15 घंटे काम कर लें। हमारी बॉडी है, हमें हेल्थ वाइज भी ध्यान देना है, उसको भी रेस्ट देना है। तो अब और पैसा कहां से आएगा दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बता दूं, एक इनकम होती है पैसिव इनकम। आप घर पर बैठे हैं, आप अपनी एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं, पैसिव इनकम से ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम अगर बात करें राकेश झुनझुनवाला की, तो इन्होंने अभी अप्रैल 2020 में करीबन एक बिल केयर कंपनी है जिसमें इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए करीबन पैसा लगाया, और केवल तीन महीने में ये 2.5 करोड़ उनके 8 करोड़ से ज्यादा हो गए। कैसे हुए दोस्तों? मैंने आपको अभी बताया, बिल केयर के शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब क्या ये खुद वर्क कर रहे थे, सेल्फ एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे थे? एक बार पैसा लगा लिया, उसको वॉच करते रहना है, देखते रहना है, पर ऐसा नहीं है कहीं जॉब पे जाना है या कहीं शॉप पे बैठना है। वो पैसा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ, राइट? और इन्होंने करीबन 5-6 करोड़ कमा लिए पिछले 3 महीने में। अब दोस्तों, यही आपको देखना है कि आप कैसे ध्यान रखें कि किस तरीके से अपना मनी इन्वेस्ट करें, कि आप एक्टिव इनकम तो अर्न कर ही रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके साथ आपकी पैसिव इनकम भी ग्रो होती रहे। जब ये दोनों इनकम ग्रो होंगी तभी आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। क्योंकि जो आप अर्न करते हैं उसमें से काफी बड़ा पोर्शन तो एक्सपेंसेस में चला जाता है, जो थोड़ा पोर्शन बचा इसको अगर आप पैसिव इनकम में राइटली इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, राइट? अब अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पैसिव इनकम की, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, हम में से काफी लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम, बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी एक सर्वे आया था काफी न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया था कि मेजोरिटी जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा बैंक में एफडी में लगा देते हैं। बैंक में दोस्तों एफडी में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको? 5%, 5.5%, 6%। अब सपोज बात कर लीजिए, मैं 100 रुपए अगर आज बैंक में जमा कर देता हूँ, डिपोजिट कर देता हूँ एफडी में, तो एक साल बाद वो 100 से 105 हो जाएंगे अगर मैं 5% की इंटरेस्ट देता हूँ। तो आपको 100 रुपए पे कितने मिले? 5 रुपए। अब हम में से काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें तो 5 रुपीज का बेनिफिट हो गया। पर देखिए, एक तरफ तो मैंने कहा 100 के 105 रुपए हो गए। दोस्तों इन्फ्लेशन,
जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो भी इंक्रीज होती है। तो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% की है तो जो 100 रुपए का सामान है 100 रुपीज का प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 106 रुपए। 6% का इन्फ्लेशन है 100 to 106, यानी जो 100 रुपए का सामान मिलता था वो 106 रुपए का मिल रहा है। और वहीं दूसरी ओर बात करें बैंक में 100 रुपए के कितने हुए 105 रुपए। तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है। 106 में मिलेगा सामान आपको, पर बैंक वाले एक साल बाद कितना दे रहे हैं 105 रुपए। तो आपको 1 रुपए अपनी पॉकेट से और लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि बैंक में अगर FD में आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको दिखेगा तो सही कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पर इन्फ्लेशन से वो एडजस्ट होके नेगेटिव ही है, आपको लॉस ही हो रहा है। तो क्या अगर आप बैंक में पैसा लगा दें सारा, या पोस्ट ऑफिस में लगा दें, पोस्ट ऑफिस में 6-7% रिटर्न मिल रहा है, क्या आपको वहां अच्छी रिटर्न मिल रही है? नो। उसका रीजन है दोस्तों, वहां रिस्क नहीं है बिल्कुल, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इनके इंटरेस्ट रेट भी कम है। पर अगर आप सारा पैसा अपना होल डिपॉजिट इन्हीं चीजों में लगा देंगे तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन का सपना है कि एक कॉर्पस इकट्ठा हो वो नहीं हो पाएगा पूरा। तो आप देख सकते हैं आज जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने केवल बैंक में FD में अपना पैसा इन्वेस्ट करके कमा लिया, काफी अदर सोर्सेज भी हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां से ही मेरे मेन वीडियो का जो क्रक्स है वो स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपसे बात करनी चाह रहा हूं शेयर मार्केट की। अब मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट में कितने तरीके हैं जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन तरीके से अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताऊंगा कितना रिस्क रहता है, कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर दोस्तों आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये जानने के लिए और आप सारा पैसा अभी भी बैंक FD में लगाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं यहीं पर, राइट। पर अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। अब हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 1000 रुपीज बैंक FD में लगा दो, ना ही मैं ये कहूंगा कि 1000 रुपीज आप शेयर मार्केट में लगा दो। मैं आपसे कहूंगा आपको एक बास्केट बनानी चाहिए, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मतलब कुछ पैसा आपने FD में लगा दिया, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ पैसा आपने शेयर मार्केट में लगा दिया। यानी आपको डिवाइड करना चाहिए अपने रिस्क को भी, यानी कि कुछ पैसा आपने उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया बैंक FD में जहां पे रिस्क बिल्कुल नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा और ब्याज भी इंटरेस्ट भी फिक्स है आपको कितनी मिलेगी। कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाना चाहिए जहां पे आपको रिटर्न कम ज्यादा हो सकती है, पर आप रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आप घर पे बैठे रहें, आप सोचें बाहर जाएं तो एक्सीडेंट हो सकता है, बाहर जाएं कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो रिस्क आप लाइफ में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको रिस्क लेना चाहिए। जितना आप रिस्क लेंगे चांसेस इंक्रीज होंगे आपको रिटर्न के। और हमने देखा है जिन लोगों ने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट किया, आप अगर पढ़ेंगे उनको तो आप देखेंगे कि उन सभी ने रिस्क लिया है। तो अब दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिंपल एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक में हमारा बैंक अकाउंट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास पैसे आते हैं, उसी तरीके से जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके जो शेयर हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अब शेयर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरा मेन वीडियो अब शुरू होने वाला है। मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिन तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा होता है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तीसरा होता है आपका राइट इशू। और चौथा होता है आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करें। तो इन चारों के बारे में आज बात करूंगा। हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने से काफी कंपनीज ने IPO लॉन्च किए, FPO लॉन्च किया, राइट इश्यू लेके आई और सेकेंडरी मार्केट में तो हम खरीद ही सकते हैं। और इन तरीके से दोस्तों लोगों ने इतना पैसा बनाया पिछले 3 महीने में कि यू विल बी सरप्राइज टू नो। तो पहले मैं इन 4 टर्म्स को क्लियर कर देता हूं, फिर आपको बता दूंगा ये चारों के बारे में आप और डिटेल में कैसे समझेंगे, जिससे अपकमिंग IPO आएगा, FPO आएगा या राइट इश्यू आएगा या सेकेंडरी मार्केट में आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले IPO की बात करता हूं। तो देखिए जब आपकी एक कंपनी होती है, मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूं जिसने कंपनी स्टार्ट किया है, अब उसे अगर अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अब उसके पास 2 तरीके हैं, वो कहां से पैसा ले, या तो वो बैंक से मार्केट से लोन ले ले जो पैसा उसे चुकाना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है एक टाइम बाद, या दोस्तों क्या करे वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचते, और जैसे ही वो हिस्सेदारी बेचेगा तो वो किसी और को ओनर बना देगा, तो जो ओनर बन जाएगा उसके पास उस कंपनी का एक शेयर आ जाएगा।
तो दोस्तों कंपनीज को जब पैसे की जरूरत पड़ती है और वो बाहर मार्केट में पब्लिक को इंस्टीट्यूशंस को अपनी शेयर बेच के अपनी हिस्सेदारी बेच के पैसा लेना चाहती है, उनसे अपने जो बाहर के लोग हैं उनको भी ओनर बनाना चाहती है, तो इसी को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप समझ सकते हैं इनिशियल पहली बार कर रही है और क्या कर रही है, पब्लिक ऑफरिंग यानी पब्लिक को अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और जैसे हम बात कर लेते हैं सिंपल, अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, उस एप्पल के मैं 8 पीसेस कर देता हूं, 8 पीसेस में 4 पीसेस मैं अपने पास रखता हूं और 1-1 पीस 4 बंदों को अलग अलग दे देता हूं, तो मैंने उनको क्या दे दिया, एक शेयर दे दिया और अब वो उसके ओनर बन गए उस हिस्से के। अब वो उसको खुद यूज करें या किसी और को सेल कर दें, वो उनकी अपना विषय है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी जब मार्केट में पहली बार शेयर लॉन्च करती है तो इसे शेयर मार्केट लॉन्च भी बोलते हैं। तो शेयर मार्केट लॉन्च में वो पहली बार कंपनी अपने जो बाहर की पब्लिक है उन्हें शेयर इश्यू करती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले रोजारी बायोटेक का आया, तो रोजारी बायोटेक ने क्या किया, 450 रुपए में अपने एक शेयर पब्लिक को ऑफर किया। और दोस्तों जब ये लिस्ट हुई बीएससी और एनएससी पे तो हमने देखा ये 700-800 रुपए तक का आ गया, यानी आईपीओ के थ्रू कोई भी कंपनी जब पहली बार मार्केट में अपनी शेयर को लेके आती है और पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक को उसके बदले क्या दे देती है, अपनी कंपनी के शेयर, उन्हें ओनर बना देती है, तो इसी को बोलते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो काफी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ आए, जैसे अभी एसबीआई कार्ड्स का आया था मार्च में, फिर रोजारी बायोटेक का आया अभी जून में, तो जून जुलाई की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से आईपीओ आते हैं, आईपीओ में काफी लोग पैसा बनाते हैं क्योंकि हमने देखा है आईआरसीटीसी की बात कर लें, एसबीआई कार्ड्स की बात कर लें, रोजारी बायोटेक की बात कर लें, तो हमेशा शेयर प्राइसेस जो होता है काफी अच्छे प्राइस पर लिस्टेड होता है और जिन लोगों को शेयर मिलता है वो कम प्राइस पर मिलता है, और जब वो सेल करते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे या सेल करेंगे तो उनको पैसा अच्छा खासा मिलता है, रिटर्न अच्छी खासी मिलती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एफपीओ की, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ क्या होता है, जो कंपनी आईपीओ लॉन्च कर चुकी है, जो मार्केट से पैसा ले चुकी है, अब फ्यूचर में वो अगर अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहती है तो उसे पब्लिक से और पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब अगर पब्लिक को वो सेकंड टाइम इश्यू कर रही है, एक टाइम तो आईपीओ में इश्यू कर दिए, अब जब वो सेकंड टाइम अपने और शेयर पब्लिक को बेच रही है, उनसे पैसा ले रही है, तो इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, दोबारा पैसा मांग रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है। तो जैसे यस बैंक की बात करें दोस्तों, अभी यस बैंक आईपीओ तो बहुत पहले लॉन्च हो चुका था पर अब उन्हें पैसे की और जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में अपनी शेयर्स और बेच दिए और पैसा ले लिया पब्लिक से, 12 रुपए में अलॉट हुआ है, काफी लोगों ने अलॉटमेंट लिया होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था रोजारी बायोटेक का भी, यस बैंक का भी। तो यस बैंक में जिसने 13 रुपए में भी अप्लाई किया, क्योंकि 12 से 13 रुपए का बैंक था, तो जिसने 13 रुपए में भी अप्लाई किया कंपनी ने 12 रुपए में ही अलॉट कर दिया और 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए उनके रिटर्न कर दिए पर लॉट में। तो आई होप आपको आईपीओ समझ में आ गया, आपको एफपीओ समझ में आ गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं राइट इशू की, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक राइट मिल रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए आईपीओ में मैंने शेयर ले लिए कंपनी के, अब कंपनी क्या करेगी, जब अपने शेयर और इशू करना चाहेगी तो वो ये कहेगी जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं कि वही हमारे शेयर ले सकते हैं, मार्केट में और कोई नहीं ले सकता। जैसे सपोज कर लीजिए अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट का आया हुआ है, पीबीआर का आया हुआ है, और ये राइट इशू में क्या कर रहे हैं, जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको ये ऑफर कर रही हैं कंपनियां कि आप हमसे और शेयर्स ले सकते हैं। और इसमें क्या करती है कंपनी, राइट का एक रेशियो देती है। जैसे महिंद्रा फाइनेंस का आया है तो महिंद्रा फाइनेंस ने कहा 1:1 का रेशियो है, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक शेयर के लिए और अप्लाई कर सकते हैं, यानी बाहर किसी को नहीं मिलेगा मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें ही मिलेगा। इसमें क्या बेनिफिट है दोस्तों, इसमें कंपनी क्या करती है, जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम में आपको ऑफर करती है। जैसे महिंद्रा फाइनेंस का अगर 150 रुपए का शेयर चल रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट से अगर आप खरीदेंगे शेयर मार्केट से तो आपको 150 रुपए में मिलेगा, पर महिंद्रा फाइनेंस ने कहा हम 50 रुपए में ही देंगे, यानी कम प्राइस में आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फायदा हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें और आया हुआ है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट या पीवीआर का आया हुआ है, तो पीवीआर का शेयर 1100 रुपए का चल रहा है, तो राइट इश्यू में उन्होंने कहा हम आपको 700 रुपए में दे देंगे। तो जो भी इन्वेस्टर हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं वो अगर चाहें, अगर वो लगता है कि और इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी के राइट इश्यू ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका राइट इशू। तो आईपीओ में पहली बार इशू करते हैं, एफपीओ अगर कंपनी दोबारा पैसा चाहती है, और राइट इशू में भी कंपनी दोबारा पैसा चाह रही है पर केवल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को वो अपने शेयर्स देना चाह रही है। अब चौथा हो गया दोस्तों, अगर कंपनी के शेयर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बीएससी एनएससी पे लिस्टेड हैं,
तो आप शेयर मार्केट में उसे डायरेक्टली खरीद सकते हो मार्केट से। जैसे आज जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आप उन लिस्टेड कंपनीज के शेयर बीएससी एनएससी से खरीद सकते हो। कैसे खरीदोगे? तो आपको स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। इस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोल के ओपन करके आप कर सकते हो। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब काफी लोग ये कहते हैं कि अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन कराएं तो हमारा काफी खर्चा होगा, क्योंकि हर साल कुछ एक्सपेंसेस देने होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डीमैट अकाउंट आपको टोटली लाइफ टाइम फ्री ओपन कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अपना, मैंने रैली गियर में ओपन कर रखा है, तो इनकी एक स्कीम चलती है कि इनिशियल लेवल पे आप 2500 रुपए की सिक्योरिटी दे दीजिए और फिर आपका ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। यानी हर साल के जो एक्सपेंसेस थे, जो आपको 500-600 रुपए देने होते हैं हर साल डीमैट को मेंटेन करने के लिए, वो वेव ऑफ हो जाएंगे, आपको वो नहीं देने होंगे। पर जो 2500 रुपए आपने सिक्योरिटी दी है, जब आप अपने अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये 2500 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। तो इस तरीके से डीमैट अकाउंट भी टोटली फ्री हो गया। पर ये ध्यान रखिए, आपको आईपीओ में, एफपीओ में, राइट इश्यू में या शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब रैलीगियर तो दोस्तों केवल एक एग्जांपल था, ऐसी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जहां आपको लगता है फ्री ओपन हो रहा है, कॉस्ट नील है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यही था कि मुझे आपको ये बताना था कितने तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यस बैंक का एफपीओ आया हुआ था, रोजारी का आईपीओ आया हुआ था, या एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, या रिलायंस का राइट इशू आया हुआ था आपका, आपका श्रीराम का अभी भी खुला हुआ है राइट इशू, पीबीआर का भी ओपन है आपका राइट इशू, या महिंद्रा फाइनेंस का भी ओपन है। तो इन सब के बारे में दोस्तों मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं। आपको पूरी नॉलेज लेनी हो आईपीओ की, एफपीओ की, कैसे कंपनी लेके आती है, किस प्राइस पे लेके आती है, राइट इश्यू का क्या रेशियो होता है, किस तरीके से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद विदाउट ब्रोकर नेट बैंकिंग के थ्रू, ये सारे ही प्रोसेस मैंने अपने चैनल पर वीडियोज बना रखे हैं। आप मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फ्यूचर में हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी शेयर के लिए। और अभी भी ओपन है बहुत सारे शेयर, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, आगे भी कंटिन्यूअस आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।